हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे फेसबुक से कनेक्ट है, ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए ये बताऊंगा कि हम इंस्टाग्राम को फेसबुक से डिसकनेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसे अनलिंक कैसे कर सकते हैं, उसे कैसे हटा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। और दोस्तों, सिंपल सा प्रोसेस है, वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और दोस्तों, आप लिए इस वीडियो में डिसकनेक्ट करने का फायदा भी बताऊंगा कि हमारे लिए इससे क्या फायदा है अगर हम इसे डिसकनेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लिए वीडियो को देख लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप लिए करना है, सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे देखने के लिए मिलती रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लिए ना यहाँ पे इंस्टाग्राम में आ जाना है, आने के बाद आप लिए यहाँ पे साइड में इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लिए इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में आ जाना है, ठीक है दोस्तों। सेटिंग्स में आ जाते हैं, आने के बाद दोस्तों आप लिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा अकाउंट का, ठीक है। तो आप लिए अकाउंट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लिए इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। फिर आप लिए ना यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा शेयरिंग टू अदर ऐप्स, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे भी कर देना है क्लिक। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपका फेसबुक आईडी का नाम, जिससे आपकी कनेक्ट होगी, ठीक है। तो आप लिए इस ऑप्शन पे भी कर देना है क्लिक। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लिए कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका फेसबुक है यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, डिसकनेक्ट करेंगे। तो आप लिए करना है यहाँ पे अकाउंट सेंटर वाले इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना है। नीचे ये जो ऑप्शन आ रहा था इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने कर दिया इस पर क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा आपका फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, ठीक है। फिर दोस्तों आप लिए यहाँ पे नीचे अकाउंट वाले इस ऑप्शन पे आप लिए क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे मैंने कर दिया क्लिक। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आप लिए यहाँ पे फेसबुक की आईडी यहाँ पे देखने को मिल रही है, फिर आपके यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप लिए रिमूव वाले इस ऑप्शन पर कर देना है क्लिक, फेसबुक वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ही आप क्लिक करना है, ठीक है। फिर आप लिए यहाँ पर रिमूव अकाउंट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है सबसे ऊपर। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लिए यहाँ पे कंटिन्यू वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने कर दिया इस ऑप्शन पर क्लिक। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आप यहाँ पर रिमूव और आपका जो फेसबुक का नाम होगा वो यहाँ पे देखने मिलेगा, आप लिए इस ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। इस ऑप्शन में क्लिक होने के बाद जो आपकी यहाँ से फेसबुक आईडी होगी यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यू रिमूव यादव धर्मराव, ठीक है दोस्तों, आपकी जो आईडी है वो यहाँ से रिमूव हो गई। फिर आपके लिए ओके कर देना है। और दोस्तों आप इस तरह से अपनी यहाँ पर अब हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप अभी आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फेसबुक है यहाँ से डिसकनेक्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों, इंस्टाग्राम से। दोस्तों इस तरह से आप इंस्टाग्राम को फेसबुक से डिसकनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है, और कमेंट नहीं किया तो दोस्तों कमेंट करके बताएं आपकी वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।